आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउथ ब्रिज चिप के बारे में। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये साउथ ब्रिज चिप है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल से कि इस चिप को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो चिप में प्रॉब्लम है या नहीं है, प्लस इस चिप का क्या फंक्शन होता है और इससे जो है इस चिप से कौन कौन से कनेक्टर पोर्ट और आईसी जो है इससे कनेक्ट होता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, मैं पूरी डिटेल से जो है इस आईसी ये इस चिप के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। क्या होता है कि ये जो चिप होता है, ये साउथ ब्रिज जो चिप होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट जितने भी पोर्ट होते हैं, जैसे आईओ चिप हो गया, बायोस रोम हो गया, साटा कनेक्टर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साटा हो गया, आईडी कनेक्टर हो गया, ठीक है, ये जो कनेक्टर हो गया, उसके बाद से जो है सीमोस बैटरी हो गया, तो इन पीसीआई स्लोट हो गया, इन सब सबका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली जो है इस चिप से होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने जो है ये साउथ ब्रिज जो चिप है इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया है। साउथ ब्रिज जो चिप होता है ना, इसका जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं ICH, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब। इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, और इसको बोलते हैं ICH, साउथ ब्रिज जो चिप होता है। और आजकल के जो भी बोर्ड आ रहे हैं, जैसे लेटेस्ट बोर्ड की अगर बात करें, i7 हो गया, i3, i5 में, तो उसमें आपको साउथ ब्रिज चिप नहीं मिलेगा, उसके अंदर जो है एक चिप मिलेगा जिसको बोलते हैं PCH, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, उसी के अंदर साउथ ब्रिज इंक्लूडिंग होता है, मतलब उसके अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साउथ ब्रिज चिप होता है इससे क्या क्या कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ब्रिज, मतलब ये जो नॉर्थ ब्रिज होता है, इसके नीचे जो नॉर्थ ब्रिज है, जैसे कि इस बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्थ ब्रिज है, इससे जो है ये डायरेक्टली जो है साउथ ब्रिज इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद से अगर बात करें तो नॉर्थ ब्रिज के अलावा जो है आप देख सकते हैं सीमोस बैटरी, जो बैटरी होता है, बैटरी का कनेक्शन डायरेक्टली इससे होता है, 3 वोल्ट का बैटरी होता है। ये बैटरी क्या होता है, जब बोर्ड ऑफ होता है तो जो है साउथ ब्रिज जो है चिप को इसको 3.3 सप्लाई देता है, और यहां से इससे एक RTC क्रिस्टल कनेक्ट होता है, इससे RTC क्रिस्टल कनेक्ट होता है इस चिप से, जो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू होता है 32.768 का होता है, और यही जो है RTC क्रिस्टल डेट और टाइम को अपडेट करता है। जब ऑफ बोर्ड ऑफ होता है तो यहाँ से इसको बैटरी से सप्लाई मिलता है, और यहाँ से मिलने के बाद जो है RTC क्रिस्टल ऑन होता है। उसके बाद से जो है इस चिप से और क्या क्या कनेक्ट होता है, तो PCI स्लॉट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं PCI स्लॉट में क्या लगता है, एक्सटर्नल कार्ड, जैसे ऑडियो कार्ड हो गया, लैंड कार्ड हो गया, मॉडम कार्ड हो गया, टीवी ट्यूनर कार्ड हो गया, तो ये कार्ड जो है इससे कनेक्ट, मतलब PCI साउथ ब्रिज से कनेक्ट होता है। उसके बाद से बात करें बायोस, तो बायोस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बायोस है इसका जो मेन फंक्शन होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, मतलब जब भी हम बोर्ड ऑन करते हैं तो इसके द्वारा जो है पूरे बोर्ड को चेक करना होता है कि बोर्ड में कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो इसी से होता है, साउथ ब्रिज जो चिप होता है इससे होता है। उसके बाद से अगर बात करें तो आईओ चिप, जो बोर्ड के अंदर एक तरह का जो है सबसे मेन चिप होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चिप होता है, इसी से हमारा कंप्यूटर जो है ऑन और ऑफ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आईओ चिप है। ठीक है, अगर इस बोर्ड की बात करें तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आईओ चिप है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आईओ चिप के बारे में पूरी डिटेल से, तो इससे कनेक्ट होता है, और आईओ से ही जो है हमारा ऑन ऑफ का जो स्विच होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसके बाद से जो है इस आईसी से, मतलब साउथ ब्रिज चिप से क्या कनेक्ट होता है, तो ये लाइन आईसी आप देख सकते हैं, तो लाइन आईसी कहाँ पे है आप यहाँ देखिए, ये जो है RTC रियलटेक यहाँ लिखा है, और ये सिम्बल है, ये लाइन आईसी का सिम्बल है, और 128 पिन का होता है, और किसी किसी बोर्ड में जो है ये 64 पिन या 48 पिन का होता है, तो ये लाइन आईसी है। उसके बाद से जो है इससे और क्या कनेक्ट होता है, तो ऑडियो आईसी, तो ऑडियो आईसी आप लास्ट पे आप कोने में देख सकते हैं कि हर एक बोर्ड के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप का बोर्ड हो, डेस्कटॉप का, उसके अंदर जो PCI स्लॉट होता है ना, इसी के साइड में लास्ट में एक कॉर्नर में जो है आपको मिलेगा इस टाइप का। इस बोर्ड में अगर देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये जो है ऑडियो आईसी 48 पिन का, हर एक बोर्ड में जो है 48 पिन का ही जो है ये आपको मिलेगा। उसके बाद से जो इससे और क्या क्या कनेक्ट होता है, तो USB पोर्ट, जो USB पोर्ट होता है, जो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है USB पोर्ट पे, अगर इसके बारे में आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इससे भी जो USB पोर्ट अगर काम नहीं करता है तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो इस चिप से होता है। उसके बाद से जो है
आईडी कनेक्टर जो 40 पिन का होता है, साटा कनेक्टर जो 7 पिन का होता है, जो हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो इसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्टली जो है वो इसी चिप से होता है। उसके बाद से जो है इस आईसी को ऑन होने के लिए जो है 3.3 और 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, जो कि एटीएक्स कनेक्टर से, आप ये जो एटीएक्स कनेक्टर है यहाँ से जो है इस चिप को ऑन होने के लिए 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। मतलब एसएमपीएस का जो ऑरेंज और रेड वाला जो कलर होता है ना, ऑरेंज और रेड से डायरेक्टली जो है इसको सप्लाई मिलता है। ऐसा नहीं है 3 और 5 जो है बोर्ड में बहुत जगह सप्लाई मिलता है, मगर जो है 3 और 5 जो है इस पे भी सप्लाई वो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये चिप में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इसको पता करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा, इससे प्रॉब्लम क्या है पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गया, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया, रिस्टार्टिंग हो गया, हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया, हीटिंग प्रॉब्लम हो गया, टोटली प्रॉब्लम जो है इस सेक्शन की वजह से आता है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है या नहीं, मतलब साउथवी चिप में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, बोर्ड अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमें बोर्ड में साउथवी से पहले जो है हमें वीआरएम सेक्शन चेक करना होता है, सीपीयू को चेक करना होता है, रैम सेक्शन चेक करना होता है, क्लॉक सेक्शन को चेक करना होता है। ठीक है, ये सेक्शन अगर ओके है, नॉर्थवी सेक्शन को चेक करना होता है, अगर ये सब कुछ ओके है तब हमें साउथवी सेक्शन पे जाना होता है। और वीआरएम सेक्शन हो गया, रैम सेक्शन हो गया, नॉर्थवी सेक्शन हो गया, क्लॉक सेक्शन हो गया, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये सेक्शन क्लियर नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें चेक करने के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये सब सेक्शन ओके है और फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑरेंज और रेड वाला जो वायर होता है ना, जिसपे 5 और 3.3 आउट होता है, ऑरेंज से 3.3 और रेड से जो है 5 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई आउट होती है। यहाँ पे जो कनेक्टर लगता है जिसमें रेड वाला कनेक्टर लगता है उसपे एक मल्टीमीटर का प्रोब और दूसरा जो मल्टीमीटर का प्रोब ग्राउंड पे लगाना है, और लगाने के बाद जो है हमें ये चेक करना है कि मल्टीमीटर में बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मल्टीमीटर में बीप शो करता है तो इसका मतलब है कि आपके बोर्ड में शॉर्टिंग है, मतलब बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ऐसे ही ऑरेंज वाला जो वायर है उसको भी जो है ऐसे ही चेक करना, ऑरेंज वाले पे मल्टीमीटर के एक प्रोब लगा के और दूसरा प्रोब को ग्राउंड पे लगाना है और फिर उसको शॉर्टिंग देखना है। ये दोनों रेड और ऑरेंज वाला वायर ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए, अगर वो बीप करेगा तो बोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बीप सपोज कीजिए दोनों में से कोई एक कर रहा है तो उस कंडीशन में हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि 3 और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है ना वो बोर्ड में कहाँ पे जाता है। तो 3.3 और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो रैम सेक्शन को जाता है, 3.3 जो सप्लाई है क्लॉक सेक्शन को जाता है, और उसके बाद से जो है 3.3 नॉर्थवी सेक्शन को जाता है, और 3.3 जो है वो बायो सेक्शन को भी जाता है। तो ये सब सेक्शन हमें चेक करना है। अगर ये सब ओके है, जैसे कि ये कंपोनेंट हम चेक कर लेंगे, मेन जो होता है मॉसफेट, ये शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे। अगर मॉसफेट ओके है, शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी जो है ये शॉर्टिंग दिखा रहा है एटीएक्स कनेक्टर जो है रेड और ऑरेंज वाला, तो इसका मतलब है कि आपका आईसी शॉर्ट है। या दूसरा तरीका भी ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो आसपास के जो कंपोनेंट है ना, जैसे कि ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर जो हो गया मल्टीमीटर के पिन को ग्राउंड पर रख के, और कैपेसिटर जो है ना दोनों साइड हमें चेक करना है, इसके दोनों साइड जो है एक साइड ग्राउंड से बीप करेगा, एक साइड ग्राउंड से बीप नहीं करेगा। अगर एक साइड ग्राउंड से बीप कर रहा है, एक साइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आईसी में शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये कैपेसिटर दोनों साइड से ग्राउंड से बीप कर रहा है, इसके आसपास के जो कंपोनेंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आईसी शॉर्ट है। अगर एक कोई कैपेसिटर बीप कर रहा है तो कैपेसिटर खराब है, अगर इसके आसपास के मोस्टली कंपोनेंट बीप कर रहा है तो इसका मतलब ये आईसी शॉर्टिंग है। दूसरी बात कि जैसे पावर लगा रहे हैं और पावर लगाने के बाद जो है बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, मगर ये आईसी एक्सेस हीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है 10 सेकंड वेट, ऐसे हम फिंगर रख रहे हैं और बहुत तेजी से हमें हटाना पड़ रहा है, मतलब 10 सेकंड भी यहाँ पे वेट नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी आपका शॉर्ट है, मतलब ये खराब है। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है कि हमने सप्लाई दे दिया, अगर बोर्ड में नो डिस्प्ले आया तो नो डिस्प्ले के हमें क्या देखना है कि इसके आसपास के जितने भी कॉम्पोनेंट है ना, इस पे 1 से 5 के बीच में कुछ ना कुछ सिग्नल शो करना चाहिए। आसपास के जितने भी कंपोनेंट है ना, इस पे आसपास के कंपोनेंट पे 1 से 5 के बीच में सिग्नल शो करना चाहिए। प्लस ये जो आरटीसी क्रिस्टल है, इसको तो सीआरओ से चेक करते हैं। अगर मल्टीमीटर से आपको चेक करना है तो दोनों पिनों पे ना, इसके दोनों पिनों पे आपको जो है
0.46 0.56 के समथिंग जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ दोनों पिनों पे सिग्नल शो कर रहेगा मल्टीमीटर से अगर चेक कर रहे हैं तो, मतलब एक से नीचे ही यहाँ पे पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इसका मतलब है ये आरटीसी क्रिस्टल ओके है। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड ऑन नहीं होता है, मगर ये क्रिस्टल को शॉर्ट करने से, इसको ऐसे शॉर्ट करने से बोर्ड ऑन हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्रिस्टल को चेंज करेंगे। अगर ये चेंज करने पर भी बोर्ड इसी से ऑन हो रहा है और जो है फ्रंट पैनल से ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम जो है वो आपके चिप का है, इस चिप को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि साउथ स्विच को हमें कैसे चेक करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।